पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत का सिर गर्व से ऊंचा करने वाली मनु भाकर भारत लौट आई हैं। एयरपोर्ट पर धूमधाम तरीके से मनु भाकर का स्वागत किया गया। उनके देश लौटने पर पूरे भारतवासियों को गर्व महसूस हो रहा है। मनु भाकर का एयरपोर्ट पर शानदार तरीके से स्वागत किया गया। भारत माता की जय के जयकारे लगाए गए और एयरपोर्ट के बाहर मनु भाकर की माता पिता उनसे मिली और मां ने मनु भाकर का माथा चूमा। इसके बाद मनु भाकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के आवास पहुंची, जहां उन्होंने काफी देर तक बातचीत की। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बता दें कि मनु भाकर दो ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली एक ही ओलंपिक्स में इकलौती महिला हैं। इसके साथ साथ शूटिंग में दो ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भी इकलौती महिला बन चुकी हैं। पहला मेडल मनु भाकर ने 10 मीटर शूटिंग में जीता। उसके बाद डबल शूटिंग यानी कि सरबजोत सिंह के साथ मिलकर दूसरा मेडल जीता। हालांकि हैट्रिक लगा सकती थी, लेकिन चौथे नंबर पर आकर उनकी हैट्रिक चूक गई थी। इसी दौरान मनु भाकर को पूरा देश शाबाशी दे रहा है और इस वक्त पूरे भारतवर्ष को मनु पर गर्व है। मनु भाकर सोनिया गांधी से मिली, जिसकी तस्वीर सामने आई है और यहां भी खबर आ रही है कि काफी देर तक बातचीत हुई है और इसी चीज को लेकर सोनिया गांधी ने मनु भाकर को शाबाशी दी, साथ ही साथ मुबारकबाद भी दी है। आपको क्या लगता है, क्यों मिले ये लोग, हमें कॉमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।